हाय गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। देखो, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें से कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और पहला जो यूज है गाइस वो है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। देखो गाइस, आपको पता होगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इवन तो जो इंसेक्ट होते हैं, उनकी जो डेड बॉडीज होती है, क्या होती है, डेड बॉडीज। तो जो डेड बॉडीज होती है उनको डीकंपोज करने का काम कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो ध्यान में रखना, तो इससे क्या होता है, जो इन्वायरमेंट होता है ना वो कैसा होता है, क्लीन हो जाता है। तो देखो कितना बड़ा यूज है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। देन गाइस, सेकंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है वो होता है टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। देखो सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मिनरल्स होते हैं इनको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपल फॉर्म में। तो इससे क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। देन गाइस, जो नेक्स्ट यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, डोसा, इडली, चीज, ये जो चीजें होती है इनको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, तो ध्यान में रखना। एंड गाइस, जो नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट यूज होता है वो होता है मेडिसिनल यूज। देखो मेडिसिन में गाइस जो एंटीबॉडीज होती है ना, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। और गाइस, डिफरेंट टाइप्स के जो वैक्सीन का प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कहाँ का यूज होता है, इन्वायरमेंट क्लीनिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, और जो ब्रेड, डोसा, इडली, चीज, इनका जो प्रोडक्शन होता है, इनके प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है, और जो मेडिसिनल जो यूजेस होते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए, या फिर जो वैक्सीन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन होते हैं, उनको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। ठीक है, देन गाइस बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ये तो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, अभी जो हमने देखे वो तो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उनका कुछ अच्छा यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये काफी डेंजर होते हैं, जिनकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिसीजेस होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो जो डिसीजेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं गाइस। डिसीजेस दो टाइप के होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड गाइस कम्युनिकेबल डिसीजेस। देखो गाइस, इनमें दोनों में अंतर क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, डू नॉट स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी गाइस इसका जो संक्रमण होता है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता, ऐसे डिसीजेस को क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहा जाता है। अभी देखो कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है, इसके अपोजिट। सिंपल सी बात है, जो डिसीजेस, ध्यान में रखना, स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर, उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा।
नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं और कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।